हेलो दोस्तों, तास्की महाविद्यालय पिलवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था। तो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में आपने यहाँ इससे पहले आपने पढ़ लिया था, यहाँ संघीय संविधान है, अध्यक्षात्मक सरकार है, शक्तियों का विभाजन कर रखा है, परीक्षण एवं संतुलन की व्यवस्था है, ठीक है। यह न्यायिक पुनर्वलोकन का बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है। यहाँ द्विसदन की पद्धति है, ठीक है। और अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके दो सदन होते हैं, सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत यहाँ के जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका जो महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रपति का, उसमें उसका निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ वगैरह, ये हम पढ़ेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो अमेरिका के जो संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि बता रखी है, कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका उसका चुनाव होता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसके चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर रखी है, और इस निर्वाचन मंडल के सभी सदस्य सभी राज्यों की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अमेरिका के यहाँ ध्यान देना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, एक निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है। और निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं ना, वो लगभग 538 होते हैं। इन निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव अमेरिका की जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इनकी जो सदस्य संख्या लगभग वही होती है जो अमेरिका के जो सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा होते हैं ना, उनमें जितने सदस्य होते हैं उतने ही ये इनके निर्वाचक मंडल के भी सदस्य होते हैं। जैसा कि बता रखा है कि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में भी अलग से 435 सदस्य होंगे। सीनेट में 100 होते हैं तो सीनेट अलग से 100 सदस्य होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में 3 सदस्य होते हैं तो अलग से 3 सदस्य भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में होंगे, ठीक है। ये ध्यान देने की, ये सदस्य संख्या मैं अमेरिका की कांग्रेस की नहीं बता रहा हूँ, अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य संख्या यही होती है, लेकिन जो निर्वाचन मंडल होता है ना अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसकी जो कुल सदस्य संख्या होती है ना, वो अलग से ये होती है, ठीक है। उनकी संख्या के बारे में बता रखा है, इतनी इतनी संख्या होती है, ठीक है ना। तो कुल कितने 538 होते हैं। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार जीतता है उसको 270 मतों की आवश्यकता होती है, यानी आधे से एक ज़्यादा, 270 मतों की आवश्यकता होती है यानी आधे से एक ज़्यादा, ठीक है। यहाँ एक खास बात देने की आवश्यकता है कि भी एक खास बात है कि ध्यान देना है, क्योंकि जो निर्वाचन समूह के सदस्य होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। निर्वाचक समूह एक विशिष्ट निकाय होता है जिसे केवल राष्ट्रपति के चुनाव तक ही निर्मित किया जाता है, और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस निर्वाचन मंडल को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल का इतना ही काम है कि वो राष्ट्रपति चुनाव तक ही इसकी उपयोगिता है, जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है और इसको उसके बाद भंग कर दिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव का के जीतने के लिए अगर प्रथम चरण में कोई उम्मीदवार असफल होता है तो जो प्रतिनिधि सभा होती है ना, वो निर्वाचक समूह में जो उच्चतम मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवार होते हैं ना, उनके बीच में से एक राष्ट्रपति का चुनाव करता है। मतलब मत अगर आधे से ज़्यादा प्राप्त नहीं होते हैं तो जो शुरू के जो प्रथम 3 जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से किसी एक उम्मीदवार का प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति को चुन लेती है, मतलब उनमें से एक को, ठीक है। और अभी तक बताया गया कि ऐसे ऐसे 3 बार ही हुआ है, सन 1824 और 1876 में हुआ था, ठीक है। ये ऐसे की भी नौबत आई नहीं है राष्ट्रपति का। और अब ये भी जानते हो कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है काफ़ी चर्चित है, ठीक है। अभी इसमें चुनाव होने वाला है अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप और ये विपक्ष में दो पार्टी हैं वहाँ, ठीक है, दो पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में का चुनाव होता है। जैसे कि एक पार्टी का नाम याद आ रहा है मुझे, डेमोक्रेटिक, और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। ये दो पार्टियों के बीच में ही चुनाव होता है, द्विदलीय पद्धति है यहाँ पर, ठीक। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के पद के जो उम्मीदवार होते हैं उसकी योग्यता क्या है।
तो इसके लिए तीन योग्यता बता रखी है। एक तो वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए जन्मजात, ठीक है। दूसरा वो 35 वर्ष की आयु का पूर्ण किया हुआ हो, भारत में भी 35 वर्ष की राष्ट्रपति चुनाव के लिए जरूरी है, ठीक है। तीसरा है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 वर्ष तक निवास किया हुआ हो, यानी कि वो 14 वर्ष से लगातार यहाँ निवास कर रहा हो। ये जरूरी नहीं कि वो लगातार है, बीच में मतलब टुकड़ों में भी रह सकता है, मतलब 14 साल तो उसका यहाँ निवास किया हुआ होना चाहिए। अगर कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है अमेरिका में? 4 वर्ष का, और वह केवल एक बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। एक बार 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो एक बार वापस का चुनाव जीत सकता है और अगले 4 साल के लिए रह सकता है, उसके बाद वह वापस पुनः चुनाव में नहीं आ पाता है, मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए वह नहीं चुना जा सकता है। और ऐसा 22वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि भाई इनकी जो अधिकतम कार्यकाल की सीमा है वो 10 वर्ष निश्चित की गई है। तो 10 वर्ष तो होते नहीं, तो 4 4 2 साल ही होते हैं, ठीक है। 8 साल होते हैं, तो 2 कार्यकाल इनके बारे में हो सकता है कि 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खास बात है कि जो ये राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद जब राष्ट्रपति अपना कार्यग्रहण करता है, शपथ लेता है, उसकी तारीख यहाँ फिक्स है 20 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि 20 जनवरी को फिक्स कर रखा है, यहाँ संविधान लागू हुआ था ना इस दिन की, तो इनको 20 जनवरी को इन्होंने फिक्स कर रखा है, 20 जनवरी से ही राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ होगा, ठीक है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल अगली 20 जनवरी 2021 से शुरू माना जाएगा। और अगला है राष्ट्रपति का पद त्याग या पदच्युत करना, तो इसको राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। हमने जो भारत में राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई गई है, अपनाते हैं, वो ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ही ली थी। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या इस पर राजद्रोह का आरोप होना चाहिए, कोई रिश्वत ले रखा हो या कोई गंभीर अपराध हो, तो उस पर क्या महाभियोग द्वारा लगाकर को पद से हटा दिया जाता है। हटाने के लिए प्रतिनिधि सभा द्वारा बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है? प्रतिनिधि सभा से। ये काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद की जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है ना अमेरिका में, वो कौन से सदन से की जाती है? तो कहाँ से की जाती है? प्रतिनिधि सभा द्वारा, ठीक है। प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और फिर उसके बाद इस मामले को सीनेट में भेज दिया जाता है, और जब सीनेट इसका परीक्षण करती है तो सीनेट एक न्यायिक अभिकरण के रूप में कार्य करती है, ठीक है। उसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सीनेट द्वारा भी अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाता है। और अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है, किंतु 3 राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन, रिचर्ड निक्सन तथा बिल क्लिंटन, इन्होंने महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था इनको, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनको भी ऐसा सुना गया था कि इन पर महाभियोग लग सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी हुई नहीं। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य तो वही है कि भाई जो राज्य राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अन्य देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त हैं लगभग वही इनमें प्राप्त हैं। कुछ इसको फैक्ट वगैरह यहाँ चेंज हो सकते हैं। तो बताया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति होता ना विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली लोकतांत्रिक पद है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति के समान कोई शक्तिशाली पद विश्व में नहीं है, ठीक है। और लॉर्ड ब्राइस ने इसको महानतम पद माना है। मुंडो ने इसको अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अब तक का धारण की जाने वाली सत्ता का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। ये किसने कहा था? मुंडो ने कहा है, ठीक है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होता है ना वो अपनी जो शक्तियाँ है ना 4 स्रोतों से प्राप्त करता है, वो संविधान से, कांग्रेस की कार्यवाही से और न्यायिक व्याख्याओं से और राजनीतिक सम्मेलन से, ठीक है। पहला है जैसे कि पूरे देश में संविधान एक ही संविधान होता है और संघीय कानूनों एवं अन्य संधियों तथा न्यायिक निर्णयों को लागू करना होता है, ठीक है। उसे पूरे देश में जो संविधान होता है उसे कानूनों संविधान को कानून को और जो संधियां होती है उनको लागू करना होता है।
वह अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सशस्त्र सेनाओं का सेनापति होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों, विभाग के प्रमुखों, राजनीतिक अधिकारियों, पार्षदों आदि की नियुक्ति करता है। वह विदेश नीति का निर्धारित करता है। वह संघीय कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान एवं प्राणदंड स्थगन प्रदान कर सकता है। क्षमा सजा को माफ भी कर सकता है और मृत्यु की सजा को भी स्थगित कर सकता है। ठीक है, अगला होता है कि जब किसी विधेयक को कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प है। संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उसको जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो उस पर तीन तरह की कार्रवाई कर सकता है। या तो उसको सहमति दे देता है, सहमति देते ही वो विधेयक कानून बन जाता है, या फिर विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है और उसको 10 दिन के भीतर कांग्रेस को वापस लौटा सकता है। ठीक है, 10 दिन के अंदर भिजवाना जरूरी है। भारत में कोई सीमा नहीं दे रखी है वापस भेजने की, जबकि अमेरिका में 10 दिन का प्रावधान कर रखा है। किंतु यही विधेयक कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत के साथ पुनः पारित कर दिया जाता है तो विधेयक एक कानून बन जाता है और इसे राष्ट्रपति को इस संबंध पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। मतलब पुनः वापस भेज देने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना बाध्य है। इसे निलंबन निषेध या निषेध भी कहा जाता है, निलंबन वीटो भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा अगर वो वही कर सकता है कि किसी भी विधेयक को वो अपने पास आरक्षित कर सकता है। ठीक है ना, अपने पास रिजर्व रख सकता है। इसके बाद विधेयक उसकी सहमति के बिना ही 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कानून बन जाता है। मतलब अपने पास रख दे फिर भी ये 10 दिन के अंदर तो कानून बन ही जाता है। मतलब 10 दिन से ज़्यादा राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। इसे जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। भारत में भी इसका प्रचलन है। ठीक है, अगला है वो सदन के मौखिक भाषण या किसी दस्तावेज को दस्तावेज को कांग्रेस से कुछ विधायी उपायों का प्रस्ताव भेज सकता है। मतलब वो भी जो भी सदन में मौखिक भाषा या कोई दस्तावेज होता है उसको कांग्रेस में भिजवा सकता है। बहुत अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष सत्रों का आह्वान करता है। कोई विशेष सत्र आह्वान करने की आवश्यकता होती है तो वह उसको आह्वान करने के लिए कह सकता है। वह राष्ट्रीय बजट तैयार करता है, देश का बजट तैयार करता है। ठीक है, उसकी मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भेजता है। उसे प्रशासनिक आदेशों के रूप में नियमों या विनियमों के निर्माण की शक्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसे प्रत्यायोजित विधायन भी कहते हैं। एक शब्द आया था अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है। इसका प्रत्यायोजित विधायन से तात्पर्य कोई भी विधेयक जो कानून निर्माण के जो नियम बनाने की जो शक्ति होती है ना, जो मूल अधिकारी वह कार्य नहीं करके वह किसी अन्य से करवाता है ना, तो उसको प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये अमेरिका के में जो प्रशासनिक आदेश है, नियम बनाने की जो शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, उसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। ठीक है, वह दोनों सदन के असहमति होने पर सत्रावसान की शक्ति रखता है। मतलब सत्र को वह अवसान कर सकता है, कांग्रेस दोनों सत्रों को वह भंग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में अपन राष्ट्रपति के कुछ कार्यालय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।